ये देखो जी, आज लेके बैठ गई हूँ जी मैं फालतू का काम। फालतू का काम नहीं है, मतलब काम तो करना था, पर ये वही था कि जब थोड़े मेरे पास यूँ लगे कि एक्स्ट्रा टाइम है उस टाइम पे होने वाला था। तो ये है एक प्लाजो, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर की कुर्ती सूट टाइप में, मतलब ये तो इसका भी कुछ करना है मेरे को। थोड़ा पुराना हो गया, पहन लिया इस डिज़ाइन का पहन लिया, मेरे को थोड़ा सा चेंज करने का चाहिए। तो एक तो आपने भी देखा होगा जो प्लाजो, ये जो लूज वाले प्लाजो है ना, ये बहुत पैरों में फंसते हैं। मैं भी दो तीन बार गिरते गिरते बच चुकी हूँ, क्योंकि पैरों में अंगूठे के उधर आ जाते हैं या आगे अंगूठे के नीचे, और फिर एकदम से गिरने वाले होते हैं। तो मैं और ऊपर से फिर नीचे से गिला विला भी बहुत हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना थोड़ा चेंज करती हूँ। तो अभी चेंज करने का ऐसे सोच रही हूँ, ये पूरा लेंथ तक है, पूरा नीचे तक है, ऐसे शॉर्ट वाला नहीं है। तो जो नीचे की जो इसकी सिलाई वाली है ना, ये वाली यहाँ से मैं ये पट्टी कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद जो ये ऊपर का भाग है, कहीं वैसे कट नहीं करूँगी, बस क्या करूँगी कि इसको निकालने के बाद ये निकल जाएगी, इसको बाद में लगाना है। और फिर बाकी का जो रहेगा ना, उसमें से चुन्नट डाल दूंगी। ये पट्टी मेरे को जितनी मोरी करनी होगी ना उतनी रखूँगी, बाकी की ये पट्टी एक्स्ट्रा निकालूंगी। सिर्फ पट्टी निकालनी है, तो मतलब ये कपड़ा ऐसा कैसा रहेगा, और ये थोड़ा सा अफगानी टाइप में हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें घेर उतना नहीं है, वैसे नहीं होगा, बट थोड़ा हो जाएगा, और वो नीचे से गीला भी नहीं होगा, पैर भी नहीं फंसेगा, मेरे को वो सही लग रहा है। तो ऐसा मैं दो प्लाजो में सोच रही हूँ। मेरे पास एक ये प्लाजो भी है, ये तो ऐसे घर पर पहनने का, इस पर कोई ये ड्रेस का नहीं है वैसे ही है, तो ये भी सेम ऐसा ही है। ये दोनों एक से ही सिले हुए हैं और वही इतने ही चौड़े हैं दोनों। तो इन दोनों का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि दोनों में मेरे को ये सेम प्रॉब्लम होती है, तो मैं दोनों का ही आज करने का सोच रही हूँ। और इस सूट का भी करना है मेरे को, तो करके मैं दिखाऊंगी कि कैसे हैं ये, अभी देखो और फिर क्या किया कैसा किया। तो ये तो हो गया, सूट का भी करना। सूट का क्या है, आप लोग एग्री करोगे चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसे ही वो करती हूँ, क्योंकि जो रिलेट कर पाते हैं, जो चीज़ें होती हैं मैं वही तो बताती हूँ आप लोगों को। ये वाली बाजू मेरी जैसे बर्तन धोती है ना, कोई पानी का काम करती है उसमें जरूर गिल्ली होती है। तो बर्तन धोने टाइम पता है क्या करना पड़ता है, इन बाजुओं को जो ये वाला एरिया है ना, इसमें ऐसे फोल्ड करना पड़ता है। मतलब अभी मतलब समझ जाओ कि पहन के हाथ में ऐसे ऐसे रोल करना पड़ता है, ताकि नीचे ना आए, बाजू छोटी हो जाए, गिल्ली ना हो। और जब ये सूट पहनती हूँ तो जैसे बर्तन वगैरह का ज़्यादा हैंड वॉश करना हो, बर्तन धोना है, ऐसा कुछ काम करना है पानी का, तो उसमें ये करना पड़ता है। तभी मैं सोच रही हूँ, ऐसे डिजाइन भी काफ़ी पुराना हो गया, कोई नया नहीं है ये, ऐसे मेरे लगे वाली बाजू का। तो मैं इनको यहाँ से कट कर दूँगी, यहाँ से कट कर दूंगी, और इतनी बाजू रखूंगी, फिर ये ना तो गिली होंगी ना कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो बाजू भी इसकी मैं हटा रही हूँ, और देखती हूँ और कुछ दिमाग में आएगा। फिलहाल तो यही है कि ये बाजू हटाऊंगी और ये करूंगी। ये कुछ काम है एक दो सिलाई के, तो आज थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सोची ये कर लेती हूँ, करके दिखाती हूँ कि कैसे लगे ये। इसको इधर नीचे से भीड़ा करने के लिए, जैसे बिछोड़न भीड़ा करने के लिए, मैंने देखो रबड़ भी काट लिया, काट भी दिया ये। मैं सोची दोनों में हो जाएगा, जैसे एक पैर में एक उस पैर में, ये भी काट लिया। पर अब मैं सोच रही हूँ रबड़ वगैरह नहीं डालूंगी, चुन्नट ही डाल दूँ, इसको कट कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ऐसे ही करती हूँ। एक हो गया है, ये वही पट्टी लगा दी जितनी मेरे को चाहिए। अभी काफी चौड़ी है भीड़ी तो ना है, काफी चौड़ी है अभी, इतनी रख ली, ऐसे चुन्नट डाल दिए, ऐसे इस साइड कर दिया, ऐसे कर दिया, थोड़ी भीड़ी हो गई। अब ये सही रहेगी, पैर में उलझेगी भी नहीं, और नया डिजाइन हो गया, मुझे तो सही लग रही, बाकी पहनूंगी तब देखूँ कैसे लगे। ये देखो जी, ये किया मैंने चेंज, बाजू हो गई इतनी, याद काटती थी वही भीगती थी, बर्तन बर्तन धोती थी। और ये देखो मेरी अफगानी सलवार बनी, ये भी बहुत नीचे से गिला विला रही था, नीचे का पैर तो पैर ही फंस जाए था, उठे में गिरते गिरते कई बार बच गई थी। कैसा लगा, ओए साइड, कैसे लगा जी, कैसा होगा ये, मुझे तो सही लग रहा है ना, तब ना मैं गिर भी पड़ूंगा। तो मैंने जो चीजें सोची थी, दोनों चीजों से बचाव चाहिए था मेरे को, वो मेरा हो गया है, ये लगा। राम राम जी, कैसे आप सभी, हम पर जी दया है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया है। तो जी खाना थोड़ा सा तो बना के गई थी मैं, दाल के वही सिट्टी लगा रखी है, और आज बनाई है आलू पत्ता गोभी की सब्जी भी गई, बच्चों को लेने तब बंद करके गई हूँ, और किचन बिखरा पड़ा है क्योंकि जल्दबाजी में भागी, फिर टाइम हो गया इनका। तो सलाद वगैरह काटूंगी, दो एक रोटी बनाऊंगी, दाल का छोका लगाऊंगी, ये काम है। ये लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं, हाथ मुँह धो लेते हैं, और ये सूट मेरे को तब अच्छा लगा, सही लग रहा है। ऐसे बाजू थोड़ी सी वैसी लग रही, क्योंकि इतनी बाजू भी थोड़ी सी कम हो गई है, आजकल फैशन में नहीं है, पर वो बड़ी वाली बहुत गिली होती थी, मैं परेशान हो गई थी, अभी थोड़ा ठीक है, और सॉफ्ट कपड़ा तो है ये, तो घर में पहनने के लिए भी सही है। तो खाना बना लेते हैं, फिर और देखेंगे आज क्या होगा। आज बना लिए जी खाने में, साथ में थोड़े से पापड़ भी और थोड़े से फ्राई भी है, इधर ये रख दिया है खाना, बैठ चुके हैं ये लोग, दाल देखो कैसे ठंडी हो गई है, इधर टीवी लगा के बैठी है, मूवी टीवी में ध्यान है दोनों का, और टूट पड़ी गर्म होगा, प्लेट रख नीचे, प्लेट ले, वो प्लेट ले ले। आज है जी कुछ नहीं डाले, टीवी बंद करना है उसे आवाज़।
आज मैंने आंवला डाला है दाल में, वाओ टेस्टी। दो आंवला डाले हैं और ये रहा मिलट बांध के रखा था कपड़े से। ओए आवाज कम कर योशी, इतनी तेज कर रखी है। ये रहा हमारा आज का मिलट, ये आ गए जी लड्डू बच रहे हैं अभी तो, और ये रही सब्जी। चलो ले डालो भी, कैसे कैसे इन पे टूट पड़ी है, और कुछ नहीं खा रही, खीरे खा लिए इन्होंने भर के दिया था पहले, मैं भी खाने लग गई। शाम के बज गए हैं जी 5, और ये पता नहीं क्या क्या लेके आ गई है निशु, हमारे तो इतनी हो रही। ये क्या लेके दिखा, ओ ये क्या है, क्या काई बोल है ये, किंडर जॉय जैसा है ना। ये फालतू चीजें मत खरीदा कर, एलियन की ये कल जिसका मैं तो ना लूं ये डंगो, थमी खा लो। ये लाए फालतू की चीज, ये गई थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेके आए पापा के साथ, रख दो इसको उठा के। ये क्या है, ग्लव्स बर्तन धोने के। हाँ निशु को इतना ध्यान आया मेरा कि मम्मा बर्तन धोती तो ग्लव्स ले लूं। निशु ये पापा लेके आए हैं, कैसे हैं, लग तो सही रहे हैं जी। ट्राई नहीं किए मैं, ट्राई नहीं करती नहीं हूँ ना इनसे, साफ रखती पहले कभी थे, अभी तो नहीं। देखो पहन के सही लग रहा है, ये थोड़ा जो वैसा है थोड़ा सा कपड़े का जूना बरगा सा। इस इनको पहनो, इन्हीं पे थोड़ा सा सर्फ लगाओ और इन्हीं से ऐसे धो दो। ये टॉय निकले आई अड़ंगो छिट्टी है, छी ऐसे बेकार ऐसे धो, देखते हो धो के कैसा है। इसके ऊपर इस साबुन लगा लिक्विड वाला या वैसा लिक्विड वाला ज्यादा सही है, और इसी को ऐसे बर्तन को पकड़ के ऐसे, तेरे को बता रही हूं तू पहन के धोना, बिल्कुल नहीं धोती जी। बाय चांस एक आधा ग्लास ग्लास भी ऐसे रख देती है तो ये ऐसे अभी तो करेगी ऐसे ना, क्यों धोले तो ये जी अभी निकाल देते। चलो कुछ हस्बैंड को ख्याल आया मेरा, ये लेके आ गए कुछ और ग्रोसरी की चीजें लेके आए, किचन का काम खत्म किया, बर्तन बर्तन धोए सारा खत्म किया, अंदर गई थोड़ा सा फोन का काम किया, वीडियो कुछ अपलोड करी और कुछ शॉर्ट वीडियो, उसके बाद एक वीडियो एडिट करी वो अभी अपलोड लग रही है, और वो करने के बाद कपड़े फोल्ड किए। टाइम 5 बज गए हैं और अभी चाय का टाइम हो गया है, मतलब फसल से इतना सोने का मन कर रहा है ना कि बस सो जाओ, तो खाना खा लिया ना तो बस सोने का वो हो जाएगा, फिर नहीं रहता कि कुछ काम करो, बर्तन भी धोने पड़े हैं, नहीं तो ऐसा ही खाना खाए सो जाओ। अभी चाय बनाते हैं जी, चाय पी के शायद थोड़ी एनर्जी आएगी, और फिर शाम के काम भले ही ना लोगे लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आप लोग सोचते हो खाना वाना बनाती नहीं है सर, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, छोटा मोटा भले ही आटा रखा है पिसा हुआ डालना नहीं है, बट उसको डालना है, बहुत सारे काम है, मतलब दिन यूं लगता है। अब 5 बज गए तो यूँ लग रहा है दिन चला गया, आज का तो 5 बज गए हैं, बहुत छोटे दिन लग रहे हैं। और सब्जियां रखी हैं कल जो लेके आए थे धोई थी, ये सूख चुकी हैं ऐसे रखे, इनको रखूंगी, मिर्च को साफ करूंगी, ये भी वैसे और इनको रखती हूँ, और ये भी तो ये सब सामान पड़ा है इधर का, क्या ठीक है। ओ भाई ये तो दे दे, थोड़ा खाना जाऊँ, चाय बनानी थी, स्प्राइट है ये जी, इतनी एक देना, इतनी सी रखी पड़ी नहीं बाकी थी, मेरे लिए भी छोड़ देना, निशु नहीं ले रही ना पापा, एक और बॉटल पड़ी लेकिन पापा एक तो ठंडी है, मेरे लिए थोड़ा खाना हजम करेगी ऐसी, धन्यवाद छोड़ दूंगी ना। 4 दूध लिए मैंने, मजा आ गया जी इसको पी के, तो आधी तो लेंगे अभी थोड़ी देर बाद चाय बनाएंगे। अभी ये गई पेट में, 4 घूट में कितनी जाएगी, झूठी 4 में तो इधर गले तक आ गई है मेरे, पेट में भी ना पहुंची। ये सारी मिर्चे तोड़ दी, इनके डंठल अभी खराब नहीं होगी, डंठल लगे रहते हैं तो खराब होते हैं, ओए छिट्टी वाले खराब हो जाते हैं, तोड़ देना बहुत दिन तक रहेंगे, ये वाली छिट्टी ये कर सकते हैं, ये दीदी का स्टाइल, मैंने इसको फ्रिज में रख के डब्बे में डाल दिया। जा पौने 7 हो गए, ये एक लाइन लिख ले तो फिर मैं जाऊंगा, एक लाइन दो तीन लाइन, ये तो पढ़ाई कर, क्या तेरा क्या काम बाकी है, लिख के खेलने जाना है, खेलने जाएगी जी योशी कर ली पढ़ाई, थोड़ा इसे चाय के बर्तन है 2-4, और ये बर्तन दो पैर के सूख चुके हैं, मैं इनको करती हूँ जी, ऐसे भागा भागा चाय है ना बहुत, थोड़ा सा वही है, 7:15 हो गए जी, खाने पीने का देखना है, और मैं वीडियो अगर बनाने लगी ये बस कपड़े चेंज कर लेती हूँ, सोचती चेंज गए यार इतना वो लगा था, थोड़ी सी 2-4 बनाए लेते, 1 घंटा कम से कम 1 घंटा, 1 से ज़्यादा 1.5 घंटा जाएगा, तो देखती हूँ। टाइम हो गया जी 9:45, और
वही चेंज वेंज करके तो एक तो बनाई कुछ वीडियो, फिर बीच में रुक गई, फिर खाना वाना बनाया, दूध वूध का काम खत्म किया, और बस काम तो अभी ख़त्म हो गया है, तो अभी बस ये कि कपड़े चेंज करने हैं, मुँह हाथ धोना, और 9:45 तो हो गए हैं, तो 10:15 हो जाएंगे, आधा घंटा और लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते भी इतना टाइम तो लग जाए, और मच्छरदानी तो लग चुकी है, थोड़ा सा ये बिखरा पड़ा है मेरा सामान, इधर सब जल्दबाजी में घेर दिया था, तो इसको थोड़ा सा उठा के रखूँगी, इसलिए आधा घंटा लग जाएगा, बच्चे भी लगा देंगे इतनी देर तो, नीचे की आंखों की मालिश होगी कुछ, बाकी लोग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ आज का, आई होप आज का लोग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, कल फिर मिलूंगे अगले व्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, रमन जी।